हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेजिटेरियन फूडीज किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ कुंदरू की भुजिया अचारी मसाले के साथ। तो ये इसकी दोनों तरफ की ये किनारों को काट कर निकाल देंगे, फिर इसका चार चार पीस कर लेंगे, उसके बाद जो है इसकी भुजिया बनाएंगे। हमारा पैन गरम हो गया है, तो ये दो बड़े चम्मच यहाँ पर तेल ले रखे हैं। पैन गरम हो गया है हमारा, तो दो बड़ा चम्मच ये तेल लिया है, इसको गरम होने देंगे। इसमें ये पचफोड़न डालेंगे, इसमें ये पचफोड़न डाल दिया है। अब ये एक बड़ा हरी मिर्च है और सात कली या आठ कली ऐसे लहसुन है, ये महीन कटे हुए, इसको भूनेंगे। उसके बाद इसमें ये आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल देंगे। अब ये कुंदरू डाल देंगे इसमें, इसको चलाते हुए इस तरह से मिला लेंगे। और ये हमने अचार का मसाला जो बनाते हैं वो बना कर रखे हुए थे पहले से, वो जो है मैं इसमें डाल रही हूँ। इसे थोड़ा सा चलाने के बाद सब्ज़ी को, इसमें नमक बहुत हल्का डालेंगे क्योंकि हमारे अचार के मसाले में भी नमक पड़ा हुआ है। इसका फ्लेम हम अब लो कर देंगे और इसे लो फ्लेम पर थोड़ी देर पकने देंगे। ये सब्जी हमारी पक चुकी है, तो इसमें हम ये अचार का मसाला जो बना कर रखे हैं ये डालेंगे। तो इसमें एक चम्मच धनिया साबुत, एक चम्मच सौंफ, एक चौथाई चम्मच मेथी, एक चौथाई चम्मच से भी कम कलौंजी और आधा चम्मच जीरा। इतने मसालों को हम पहले कढ़ाई में या फ्राई पैन में किसी में रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद उसे मिक्सी में पीस लेंगे। उसमें आधा चम्मच सरसों का दाना ऐसे ही पीसेंगे बिना भुने हुए, और एक चम्मच आमचूर पाउडर और थोड़ा सा सादा नमक, थोड़ा सा काला नमक और आधा चम्मच मिर्च पाउडर। इतना सब चीज़ मिलाकर ये मसाला तैयार किया हुआ है और इस मसाले को अब हम इसमें डाल देंगे। और ये हमारा अचार के मसाले वाला कुंदरू तैयार है। इसे अचारी कुंदरू भुजिया भी कह सकते हैं। ये देखिए ये तैयार है। इसके साथ मैं बनाऊंगी चीनी वाला पराठा। अब मैं बनाने जा रही हूँ चीनी का पराठा। गैस को ऑन करके तवा को गर्म होने के लिए रख दिया है और अब ये आटा जो है रोटी से थोड़ा सा गीला बनाएं, गूंद कर रख लेंगे और उसको फिर इस तरह से बेल लेंगे। अब इसको ये बेल कर इस तरह से इस तरह से घी अप्लाई कर देंगे। अब इस पर ये पीसी हुई चीनी जो है वो डाल देंगे। इस तरह से फैला के इसको ऐसे रोल कर लेंगे। रोल करके इसे इस तरह से लपेट कर और इसे ये उठाकर बीच में ऐसे दबा देंगे।
और फिर से इसे इस तरह से बेल लेंगे। ये हमारा चीनी वाला पराठा। ये दूसरे में भी इसी तरह से घी डाल देंगे और इस तरह से अप्लाई करने के बाद ये हम पीसी हुई चीनी इसमें इस तरह से फैला लेंगे। और फिर इस तरह से इसको रोल कर लेंगे। अगर आपके पास दानेदार चीनी हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास ये पीसा हुआ चीनी था तो मैं ये डाल रही हूँ। पराठा हम मीडियम फ्लेम पर सेकेंगे। ये पराठा हमारा दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सा सेक चुका है तो इसमें जो है अब घी लगा देंगे। ये दोनों तरफ से पराठा क्रिस्प हो चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकाल देंगे और ये दूसरा पराठा डाल देंगे। तरह से सेक लेंगे। दोनों पराठा हमारा सिक चुका है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। फ्रेंड्स, हमारा ये आचारी कुंदरू और चीनी वाला लच्छा पराठा तैयार है। तो आप भी इसे अपने घर में बनाइए और इन्जॉय करिए और उसके बाद टेस्ट पसंद आए अगर तो फिर कमेंट भी करके बताइएगा। और हमारी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।